ओ हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आई मीन गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम लोग देखते हैं मंथली करंट अफेयर्स जो हम लोग कर रहे थे उसका पार्ट टू देखते हैं। ठीक है, हाल ही में किसे परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? हमारे नरेंद्र गोयनका जी को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक, ठीक है, राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? मिसेज वर्ल्ड की बात हो रही है, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेज वर्ल्ड हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, दो टाइप का होता है ये भी, एक मिस और मिसेज। तो इस मिसेज वर्ल्ड 2022 में राष्ट्रीय पोशाक का जो पुरस्कार मिला है वो मिला है नवदीप कौर को। ठीक है, ये नवदीप कौर जो है वो मिसेज वर्ल्ड, ठीक है, मिसेज वर्ल्ड 2021 का खिताब भी यही जीती थी नवदीप कौर। और मिसेज वर्ल्ड 2022 में ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। ठीक है, तो ये और रहने वाली कहाँ की है? ये उड़ीसा की रहने वाली है। गौरव मीना, आज तो मैच है। ठीक है ठीक है, मैच भी देखो। हेलो हेलो गौरव, पढ़ाई भी कर लेते हैं, अभी तो फर्स्ट इनिंग हो गया ना, फर्स्ट इनिंग के बाद थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, क्या होता है ना कि हर एक कला के लिए एक पुरस्कार का समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय लोक कला समारोह का आयोजन किया गया था और इसमें स्वर्ण पदक जो जीता है इंडिया के लिए वो जीता है सुमित भाले जी ने। ठीक है, सुमित भाले जी को स्वर्ण पदक मिला है। ये क्या है? ये लावणी कलाकार है। ठीक है, लावणी कलाकार है। लावणी क्या चीज है? ये महाराष्ट्र का एक फेमस नृत्य नृत्य कला है। ठीक है, उसके लिए इन्हें मिला है कला महोत्सव में स्वर्ण पदक। ओके गौरव, गौरव आंसर भी करते जाओ। किसे 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ठीक है, ये एक कंपटीशन था, ये एक प्रतियोगिता कराया जाता है कि उसमें सेलेक्ट किया जाता है कि लोगों के द्वारा कौन सा ऐसा वर्ड है जो लोग लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, बच्चों से ये करवाया जाता है, पोल करवाया जाता है इसके लिए। तो उसमें ना ये एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, ये एक ऐसा वर्ड है जिसे बहुत सारे बच्चों ने सेलेक्ट किया है। तो इसे वर्ड ऑफ द ईयर का, चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, इसको मिला है 21% वोट मिला था, मतलब वहां पे बच्चे लोगों को बैठाया गया होगा, मान लो 100 बच्चे बैठाया, तो उसमें से 21 लोगों ने सिर्फ यही वर्ड चुना है कि ये हमारा वर्ड ऑफ द ईयर हुआ। ओके या यू आर अ नीट स्टूडेंट। ओके, तो शेयर कर दो, जो कोई एग्जाम वगैरह तैयारी कर रहा होगा उसके लिए शेयर कर दो। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, इसको करेक्शन करते हैं, TX2 पुरस्कार 2022 दिया गया है। ये TX2 क्या होता है? TX2 मतलब होता है टी से टाइगर हो गया, ठीक है, और टाइगर इंटू टू,
मतलब टाइगर की आबादी दुगुना करना, कोई भी एक टाइगर रिजर्व होता है वो अगर वहाँ की टाइगर की प्रजाति को बढ़ाता है या दुगुना कर देता है तो उसे उसके काम के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये दिया गया है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। यहाँ पे टाइगर की जो अभी आबादी है वो दुगुना होके कितनी हो गई है, 80 हो गई है। ठीक है, 80 हो गई। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हाल ही में ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, किस फिल्म को? ठीक है, ढाका में क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया गया था। वहाँ पे इंडिया के हर स्टेट के कुछ फिल्म गए हुए थे सेलेक्ट होके कि ये बेस्ट फिल्म है करके। तो उसमें से जो सेलेक्ट किया गया है वो है ये कुजंगल। कुजंगल नाम की फिल्म है ये एक्चुअली तमिलियन मूवी है। ठीक है, तमिलियन मूवी है, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। कहाँ दिया गया है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। हाल ही में किस देश के पूर्व CPM को नेताजी अवार्ड 2022 दिया गया है? ठीक है, पूर्व PM को, और ये अवार्ड कौन सा अवार्ड दिया गया है, नेताजी अवार्ड। नेताजी अवार्ड क्या होता है, अपने हमारे सुभाष चंद्र बोस जो जी हैं उनके उनके नाम से अवार्ड दिया जाता है। तो वो मिला था कहाँ के प्रधानमंत्री को, जापान के प्रधानमंत्री को दिया गया था। और जापान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनका नाम क्या है, सिंजो आबे। सिंजो आबे इसे ना सुभाष चंद्र बोस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये जापान के हैं, अब तो जापान के ये तो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो गए, पिछले जो अभी हट गए हैं, तो अभी अभी जो वर्तमान में जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर वो कौन है, फ्यूमियो किशिदा नाम के हैं। फ्यूमियो किशिदा, ठीक है। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है, किसने जीता है ये, पीवी सिंधु को सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब दिया गया है। एक्चुअली क्या है, जो मैं ये करा रहा हूँ वो चीज़ें, ये उन लोग के लिए हैं जो अभी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो गए या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए करंट अफेयर्स का मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। इसलिए अब ये क्या है, गौरव जी बोल के गए हैं कि वो नीट के स्टूडेंट हैं, इसलिए हाल ही में किस अभिनेत्री ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जीता है? ठीक है, वर्किंग वुमेन, अभी वर्किंग वुमेन का अवार्ड किसे दिया गया है, वो दिया गया है सुष्मिता सेन को। ठीक है, सुष्मिता सेन को वर्किंग वुमेन का अवार्ड दिया गया है। हाल ही में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है? ठीक है, निशस्त्रीकरण क्या होता है, डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट के लिए यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत कौन बनेंगे, ये बनेंगे अनुपम रे। ठीक है, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार भी थे हमारे भारत के, अभी वो निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में राजदूत बन गए हैं। किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? ये सब क्वेश्चन जो है ना, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं, मतलब करंट अफेयर में ऐसे वन लाइनर स्टैटिक के नाम पे, तो ये सब चीज़ें थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
और ये किसे दी, कौन है, कौन किसे नियुक्त किया गया है रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष के लिए? विनय कुमार त्रिपाठी इन्हें नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला? ठीक है, मतलब कहने का है उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। महानिदेशक मतलब डायरेक्टर, डायरेक्टर जनरल। किसे भारतीय तटरक्षक बल का, कोस्ट गार्ड, तो वो किसे दिया गया है? हमारे वीएस पठानिया जी को। वीएस पठानिया जी को तटरक्षक बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बनाया गया है? हाँ, ये स्वच्छ गंगा मिशन क्या होता है कि गंगा नदी जो है वहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण हो गए हैं, ठीक है, तो प्रदूषण को दूर करना, वहाँ की साफ सफाई कराना, और हमारी गंगा की, गंगा में जो पाई जाती हैं डॉल्फिन, उनकी रक्षा करना, ठीक है, इसके लिए मिशन बनाया गया था स्वच्छ गंगा मिशन। तो उसके लिए जो नए महानिदेशक चुना गया था वो है अशोक कुमार। हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? ठीक है, यहां पे बात आ गई फिर से पहली, पहली जहां बात आ जाते हैं ऊपर से महिला के ऊपर है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो किसे तेल और प्राकृतिक गैस, इसको बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओ शॉर्ट फॉर्म में ONGC, इसका नाम बहुत सुने होंगे, ONGC करके, तो उसी को हिंदी में तेल और प्राकृतिक गैस बोलते हैं। तो उसके लिए जो पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है वो है अलका मित्तल। अलका मित्तल को पहली महिला प्रमुख चुना गया है। हाल ही में किसे यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बनाया गया है? यूएस और इंडिया के बीच में बिजनेस चल रहा है तो उसके लिए एक किसी ना किसी काउंसिल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए उसको अध्यक्ष बनाया गया है, और वो अध्यक्ष हैं अतुल केशव। ठीक है, हर कोई भी दो देश है उसके बीच में बिजनेस चलेगी तो उनके बीच काउंसिल बनेगी, क्योंकि बिना काउंसिल के बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में धोखाधड़ी बन बढ़ जाती है, तो उसके लिए अध्यक्ष भी बनाना जरूरी होता है, फिर काउंसिल बन जाती है। तो अभी फिलहाल यूएस और इंडिया के लिए अतुल केशाप जी हैं। हाल ही में किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोध समिति का अध्यक्ष पद ग्रहण किया गया है? ठीक है, आतंकवाद निरोध समिति, एंटी टेररिज्म कमेटी। ठीक है, इसके लिए एंटी टेररिज्म कमेटी बनी है तो उसके अध्यक्ष भी बनेंगे, और वो अध्यक्ष कौन है? TS तिरुमूर्ति। ठीक है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, और किसे बनाया गया है? किस महिला क्रिकेटर है वो? ठीक है, तो किसे बनाया गया है? वो शेफाली वर्मा को बनाया गया है। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की नई ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा क्वेश्चन है ये स्टैटिक के लिए। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने किसको नया महासचिव नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया गया है महासचिव? हैथम अल घिस को। ठीक है, हैथम अल घिस को। ये कौन है? ये कुवैत के रहने वाले हैं, और कुवैती ऑयल जो है होते हैं वहां के एग्जीक्यूटिव हैं, ये मतलब प्रमुख हैं, कुवैती ऑयल कंपनी जो होती है उनके प्रमुख हैं। तो उन्हें ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है।
पेट्रोलियम निर्यातक मतलब पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट कराना, एक जगह से दूसरे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना, उसके लिए एक अध्यक्ष बनाया गया, तो वो ये हैं हमारे हैथम अल घीस। किसे शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव का कार्यभार संभालना है? इसे संभालना है वो है झांग मिंग, ये चाइना के रहने वाले हैं, क्योंकि शंघाई शंघाई जगह ही वही है चाइना में, ठीक है। तो वहाँ का शंघाई सहयोग संगठन होता है, उसके लिए कार्यभार जो संभालना है वो उन्हें जांग मिंग को संभालना है। किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह आप न्यूज़ में देखोगे तो AIIB बोलते हैं, ठीक है। न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़ चैनल में देखोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में AIIB बोलते हैं, ठीक है। तो उसके जो उपाध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल जी को, ठीक है। उर्जित पटेल ये कौन है? ये हम लोग के पहले पूर्व RBI गवर्नर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि बैंक से रिलेटेड है ये, और लेटेस्ट अभी अपना वहाँ चल रहा है, इकोनॉमिक्स के लिए चल रहा है इंडिया में, आर्थिक के लिए ज़्यादा न्यूज़ चल रहा है, मतलब करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्थिक से रिलेटेड ज़्यादा आते हैं अर्थशास्त्र। तो ये बैंक वगैरह से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसे क्या बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। AIIB के नए उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन वह उर्जित पटेल। हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ रॉकेट वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ये है इंडियन स्पेस रिसर्च सेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, ठीक है। इसरो के लिए जो नए चीफ रॉकेट साइंटिस्ट हैं वो कि कौन है? एस सोमनाथ। और पहले कौन थे? इसके पहले के शिवान कर गए थे। ठीक है, तो अभी करंट में जो है सोमनाथ जी हैं, तो इन्हें इसे भी याद रख लेना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में, 2020 में पदक विजेता किस खिलाड़ी को असम सरकार ने DSP पद दिया है? ठीक है, हमारे इंडिया में क्या होता है कि कई अच्छे अच्छे पोस्ट जो होते हैं सरकारी पोस्ट, उसमें खिलाड़ियों को कुछ आरक्षण रहता है उनका, मतलब जो अच्छा करके आ रहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उन्हें कुछ पद दिया जाता है, तो उनमें से एक है DSP पद, ठीक है। वो DSP पद असम सरकार ने दिया है अभी फिलहाल, किसे दिया है? लवलीना बोरगेन, बोरगेन, ठीक है, इन्हें मिला है अभी असम असम का नया DSP पद। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनाया गया है? ठीक है, ये भी अच्छा है कि कप्तान बनी है अभी नई नई हॉकी टीम की, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। कौन और किसे बनाया गया है? सविता पूनिया को बनाया गया है। अब क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाता है कि सविता पूनिया कौन से खेल से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आ जाएगा हॉकी से है, ठीक है, हॉकी से है। और ये रहने वाली कहाँ की है? ये है हरियाणा की रहने वाली है। हाल ही में किसे अडानी पावर के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये अडानी अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा था, क्यों? क्योंकि ये अडानी जो है, गौतम अडानी, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हो गए हैं, टॉप पे चल रहे हैं वो, ठीक है। और इन्हें अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट भी मिला है जो अच्छा काम कर रहे हैं ये उस फील्ड में, सोलार के ऊपर, तो
तो ये अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहे हैं, और जो न्यूज़ में चलते हैं वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, अडानी पावर का नया सीईओ बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, कौन है ये? शेर सिंह बी ख्यालिया। ठीक है, शेर सिंह बी ख्यालिया, इन्हें अभी बनाया गया है अडानी ग्रुप का नया सीईओ। तो जल्दी जल्दी में गौतम अदानी मत लिख देना नाम, कि वो है सीईओ, अभी ये है सीईओ। हाल ही में किसी परिधान निर्यात संवर्धन, ठीक है, परिधान निर्यात मतलब कि अपैरल एक्सपोर्ट संवर्धन परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। किन्हें चुना गया है? नरेन कुमार गोयनका को चुना गया है। ठीक है, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान चुना गया है 2021 के लिए? 2021 के लिए जो T20 टीम बनी थी आईसीसी की, उसमें अलग अलग कंट्री के कुछ कुछ प्लेयर को वो चुनते हैं। ठीक है, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनमें से किसी एक को कप्तान भी बनाना है। तो वो कप्तान कौन बनाया गया है? बाबर आजम को बनाया गया है। ये बाबर आजम कहाँ का प्लेयर है? पाकिस्तान का है। ठीक है, अभी 2022 का तो चल रहा है, तो ये होने के बाद फिर से नई टीम बनेगी 2022 का, जब वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद फिर से एक नई टीम बनाएगी आईसीसी अपना। फिर उसके कप्तान कौन होंगे वो अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल पाकिस्तान का ये बाबर आजम है कैप्टन। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, किसे HPCL के नए अध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया है? अब भी बताया था कि अध्यक्ष और MD वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किसका पूछ रहा है? HPCL। HPCL क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का नया अध्यक्ष और MD, MD को मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, वो किसे चुना गया है? ये पुष्प कुमार जोशी, पुष्प कुमार जोशी को चुना गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोलते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार मतलब दो देश भर में जितने भी कुछ काम होने हैं अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, तो वो नरेंद्र मोदी एक सलाहकार रखे रहते हैं उनके लिए, उससे उसके लिए उसकी सलाह पर वो अपना काम करते हैं उस चीज़ों के लिए। तो वो अभी कौन है? वो है अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वरन अभी जो है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत सरकार के। किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए MD नियुक्त किया गया है? ठीक है, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब कि कहना है हमारे जो इंडिया में जितने भी प्रकार के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा है, जैसे कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, ब्रिज बन रहा है, या कहीं रोड बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं कहीं कहीं पे, तो उसके लिए ये एक कॉरपोरेशन है बनी हुई है राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास। तो उसके जो नए MD हैं वो हैं ये चंचल कुमार। ठीक है, चंचल कुमार को बनाया गया है। हाल ही में इफको के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इफको, इफको का नया अध्यक्ष कौन है? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को इफको का नया अध्यक्ष चुना गया है। किस ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हो गया है? ठीक है, ये क्या है अश्वेत अभिनेता? अब क्या होता है अभिनेता? मतलब तो हमारे एक्टर एक्ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन अश्वेत वाला क्या हो जाता है?
जैसे कि यूएसए में, अमेरिका में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक गोरे और एक काले लोग, ठीक है। तो जो काले लोग होते हैं उन्हें ही बोले जाता है कि अश्वेत। वो किसी दूसरे कंट्री से आके वहाँ पे बसे हुए रहते हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं अश्वेत, अश्वेत पब्लिक। और इसे ही, और ये अभिनेता बने थे तो उन्हें ऑस्कर मिला था, और वो पहले अश्वेत अभिनेता थे। वो कौन थे? ये सिडनी पोटियर। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं एक बार देखा था, ये गुलाबो नाम का भालू कहाँ पे है करके, ठीक है। तो ये पुराना भालू, सबसे पुराना भालू है गुलाबो, और इसका अभी अभी निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया। और ये कहाँ, कौन से, ये कहाँ पे रहता है? ये वन विहार, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है, ठीक है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में था, मतलब वहाँ वहीं पे ये रहता था भालू जो है। और ये अभी अभी इसका निधन हो गया, तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये पूछा गया है। तो ये वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भोपाल में है। हाल ही में किस महान कथक नृत्यांगना का निधन हो गया? कथक, ठीक है, कथक नृत्यांगना का निधन हो गया। कथक रिलेटेड है हमारे, कि कौन है ये? पंडित बिरजू महाराज जी हैं, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज जो हैं ये किससे रिलेटेड हैं? कथक से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन यही आ जाता है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ये जो भी है कि अभी अभी इनका निधन हो गया है, तो निधन हो गया है तो इनसे इनके क्वेश्चन बन सकता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, वो यही है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? तो वो है कथक, कथक नृत्यांगना है, ठीक है। किस देश को हराकर अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल जीत लिया है भारत ने? एशिया कप 2021 अंडर 19 वाला, ठीक है, उसे भारत ने जीता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 किसने जीता, तो वो आ जाएगा भारत ने जीता है। अब एक और बन जाता है कि वो किसे हराकर जीता है, ठीक है, क्वेश्चन वही है, फाइनल जीत लिया, किसे हराकर जीता है? वो श्रीलंका को हराया है उसने फाइनल में। हाल ही में लीजेंड लीग क्रिकेट ने किस भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है? लीजेंड लीग क्रिकेट, ठीक है, ये एक एसोसिएशन है, मतलब एक ग्रुप है, ठीक है, उसने एक भारतीय महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर चुन लिया है, ठीक है। तो वो महिला क्रिकेटर कौन है? ये झूलन गोस्वामी है, झूलन गोस्वामी को चुना है। हाल ही में किस आईपीएल, किसे, आई मीन ये किसे होगा, हाल ही में किसे आईपीएल 2022 और 2023 का टाइटल स्पॉन्सर घोषित किया गया है? तो जो आईपीएल 2022 और 2023 का जो स्पॉन्सर है वो कौन है पूछ रहा है? तो हमारे टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप उसे स्पॉन्सर करेगा। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट 2022 जीता है? टेनिस टूर्नामेंट को जीता है राफेल नडाल ने। अब ये 2022 का ही है, ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन क्या है आते हैं। हाल ही में आईसीसी द्वारा किसे दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, ठीक है, किसे दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वो है एजाज पटेल। एजाज पटेल कहाँ के प्लेयर हैं? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, क्रिकेट प्लेयर हैं। एजाज पटेल न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं।
और इन्हें क्यों दिया गया, क्योंकि अभी दिसंबर में, दिसंबर से पहले जब इन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच क्रिकेट का चल रहा था टेस्ट मैच, उसमें इसने 10 विकेट लिए थे, तो उसके लिए इसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है दिसंबर में। हाल ही में बैडमिंटन अंडर 19 गर्ल सिंगल में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वर्ल्ड नंबर वन बन गई है? अंडर 19 में गर्ल सिंगल में नंबर वन, ठीक है, वो भी कौन है? भारतीय महिला, तो कौन बनी है वो? तस्नीम मीर। ये जो है अंडर 19 गर्ल सिंगल में नंबर वन पे आ गई है अभी। हाल ही में जारी सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? ठीक है, तो फीफा का जो अवार्ड सेरेमनी हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है पुरुष के क्षेत्र में, वो है रॉबर्ट रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इन्हें ही चुना गया है। हाल ही में किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 शुरू की गई है? महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी ये कहाँ शुरू की गई है? ये शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश में। क्यों? देखिए, आइस हॉकी है तो ऑब्वियसली वो आइस ठंडे क्षेत्रों जगह में ही होगा, तो इसमें ठंडे क्षेत्र जो हैं उनमें से एक है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, ऑप्शन में आपको अगर ये ध्यान में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन से आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि साउथ के दे दिए तो साउथ में तो आइस होता ही नहीं है, ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन टिक कर सकते हैं, तो अभी हिमाचल प्रदेश है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? अभी आ गया बात ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है? ये भी राफेल नडाल ने जीता है। हाल ही में महिला एशिया कप हॉकी, महिला एशिया कप है, ठीक है, महिला एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो किसे हराया है? चाइना को हरा के, चाइना को उसने हराया, तो इंडिया फिर थर्ड प्लेस में है, थर्ड प्लेस में उसने उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला एशिया कप। हाल ही में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक, वैश्विक मतलब ग्लोबल, ग्लोबल ग्लोबल सूची में कौन सा स्थान मिला है? चेन्नई की ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसे ऑन टाइम, ऑन टाइम कहने का मतलब है कि वहां पे ऑलमोस्ट सभी प्लेन ऑन टाइम ही वहाँ पे चल रहे थे, कोई लेट वगैरह बहुत ही कम होते थे, जिस तरह दूसरे जगह पे हो रहे हैं उससे बहुत ही कम, मतलब कि ऐसा समझ लो कि 100 में 1-2 प्लेन होंगे ऐसा हो रहा था, और वो भी ना के बराबर होता है। तो ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिया गया है, और उसमें उसका कौन सा स्थान रहा है पूछना, तो वो 8th नंबर पे है, ठीक है, 8th नंबर पे ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोबल बोला है, ग्लोबल में 8th नंबर पर आया चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाल ही में जारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 2022 का Q1, ये Q1 होता है, Q1 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ठीक है, तो ये इंडेक्स जो सूचकांक होते हैं, जो रैंकिंग बताते हैं, ये भी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें एक तो पासपोर्ट वाला तो बहुत पूछा है, लेकिन अभी क्या हुआ, लेटेस्ट कुछ चेंजेस हुए हैं, वो 83 नंबर पे आ गया, पहले किस में था 85 में था, अभी आ गया 83 पे, ठीक है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CBI 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है 85, ठीक है, 85 स्थान पे रहा है। हाल ही में किसके द्वारा लिखी पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी, पुस्तक, पुस्तक लिखने वालों के भी नाम
बहुत आते हैं, ठीक है। तो बोज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है वो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है, ठीक है। और उसे किसने लिखा है, वो है चंद्रचूर घोष। चंद्रचूर घोष ने सुभाष चंद्र बोस के ऊपर एक बुक लिखा है, बोस द अनटोल्ड स्टोरी। वो अभी अभी फरवरी में ही लॉन्च किया उसने। हाल ही में 46 देशों के मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास मिलन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि अभ्यास मिलन किससे रिलेटेड है, अभ्यास मिलन जो है वो है नौसैनिक युद्ध से रिलेटेड है। नौसैनिक युद्ध से रिलेटेड है। उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो उसकी मेजबानी करेगा हमारा भारत, इंडिया, ठीक है। ये होता है 46 देशों के बीच होता है ये मिलन जो होता है नौसैनिक युद्ध का। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच अरब सागर में पैसिक्स अभ्यास, पैसिक्स इसका नाम ही, अभ्यास का नाम ही पैसिक्स है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच में पैसिक्स अभ्यास आयोजित किया गया है, तो ये किसके बीच किया गया है, भारत और रशिया। क्या हुआ था अभी जो युद्ध चल रहा था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो बहुत सारे सामान का आयात निर्यात बंद हो गया था। इसके लिए भारत ने रशिया के साथ एक अभ्यास चालू किया था, वो पैसेक्स नाम था। इसमें वो उन्होंने जो जरूरी चीज़ें हैं जो इंडिया में आनी चाहिए रशिया से, उसके लिए इसने मंजूरी दी फिर इस अभ्यास के थ्रू रशिया वालों ने। हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बन गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो अभी भारत से खरीदा है किसी ने, वो कौन सी कंट्री है, वो है फिलीपींस। फिलीपींस को अभी इंडिया ने बेचा। भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन किया गया है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी कहाँ पे होता है, ये इंडिया का, तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी से समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया गया है, कौन किसके बीच, जापान। भारत और जापान के बीच में यह साझेदारी अभ्यास चला है। ये बेसिकली होता है एक्सपो, मतलब आयात निर्यात के लिए होता है इस अभ्यास, कि अगर कोई कुछ दिक्कत आती है तो उसे कैसे हल किया जाता है, इसके लिए ये सब अभ्यास चलता है। हाल ही में $3 ट्रिलियन मार्केट, $3 ट्रिलियन मार्केट कैप हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है, ठीक है। वो कौन सी कंपनी है, एप्पल। एप्पल का मार्केट में बहुत नाम है, वो अभी $3 ट्रिलियन मार्केट कैप की कंपनी बन गई है। अभी तो वो बने पड़े बिलियन मिलियन पढ़ते हैं, फिर ट्रिलियन आ जाता है। बिलियन में 6 होता है, मिलियन में 9 होता है, उसके बाद ट्रिलियन में 12 हो जाता है। हाल ही में RBI द्वारा किस पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। अनुसूचित बैंक का दर्जा किसे दिया गया है, वो RBI द्वारा एयरटेल पेमेंट बैंक को। हाल ही में ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 के लिए मिला है HDFC को, HDFC बैंक को सर्वश्रेष्ठ प्राइवेट बैंक के लिए अवार्ड दिया गया है। ये भी मतलब पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में HDFC बैंक प्राइवेट पे चल रही है। आप बाहर कंट्री भी जाओ घूमने तो वहाँ से भी इसका ट्रांजैक्शन इजीली हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। अब आ जाते एक दिन के ऊपर कि कौन सा दिन किस दिन होता है,
जैसे कि ये क्वेश्चन है विश्व ब्रेल दिवस, ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 दिन, 4 जनवरी को। एक होता है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। देश में पहली बार स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? ठीक है, तो ये किया गया था 10 से 16 जनवरी के बीच में कराया गया था। क्या क्या कराया गया था? स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह, मतलब कि कोई किसी प्रकार कोई स्टार्टअप खोलना है तो उसके लिए एक वीक रखा गया था। यहाँ पे लोग मतलब भाग लेते थे और अपना नया नया स्टार्टअप के बारे में बताते थे, इन्वेंशन इनोवेशन के बारे में, उसमें क्या कुछ नया है स्टार्टअप में। तो ये जो हुआ था 10 से 16 जनवरी के बीच में हुआ था, और जब ये संपन्न हुआ मतलब 16 जनवरी को, तो उसी दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे नेशनल स्टार्टअप डे का नाम दे दिया। ठीक है, तो पूछ दिया नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? नेशनल स्टार्टअप डे कब होता है? तो वो हो जाता है 16 जनवरी को। ठीक है, एक आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये है 24 जनवरी, 24 जनवरी को इंटरनेशनल एजुकेशन डे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? वोटर्स डे, वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो ये सब क्वेश्चन थे जो जनवरी में, इस साल के जनवरी के लिए अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये एग्जाम वगैरह में पूछ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग मंथली वाइज देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जो भी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से बहुत बच्चे जो हैं जो 11वीं 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को 11वीं 12वीं के बाद अगर कोई एग्जाम देना हो, ठीक है, 12वीं के बाद तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कई लोग तो SSC GD में चले जाते हैं, तो उन लोग के लिए ये अच्छा चीज़ है। और जो और भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे SSC के, CHSL, CGL, MTS वगैरह में, या फिर रेलवे के लिए भी, तो ये सब क्वेश्चन वहाँ पे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज इतने ही करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।